गुड आफ्टरनून सेवन्थ क्लास, आई एम शशि शिवान फ्रॉम हैप्पी कैमरी स्कूल। बच्चे, हम ये टू चैप्टर रीड कर चुके थे। टू चैप्टर था आपका भूतकाल अर्थात लंगलकार। सबसे पहले आज हम प्रथम पुरुष का के बारे में बताएंगे। प्रथम पुरुष क्या होता है बच्चे? जैसे बच्चे मैंने यहाँ लिखा हुआ है प्रथम पुरुष, एक वचन भी, द्विवचन और बहुवचन, तीनों वचन आए हुए हैं। लंग लकार में अर्थात बीता हुआ काल। आप पठत, एक वचन, द्विवचन आप पठताम, बहुवचन आप पठन। तो बच्चे पेज नंबर है आपका 7। वन क्वेश्चन हम करेंगे, रिक्तस्थानी पूर्य अर्थात रिक्तस्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे कि बच्चे सदा शिव गुरु जनान है डैश, यहाँ पर जैसे आ नमत, यहाँ पर आपको बच्चे दे रखा है ना नमा, नम दे रखा है। तो इसमें आपको ये देखना है कि एक वचन कि प्रथम पुरुष में यहाँ पर एक वचन आएगा, द्विवचन आएगा या बहुवचन आएगा। ये बच्चे आप पता करोगे यहाँ पर एक वचन है आपका, द्विवचन है या बहुवचन है। अब सदाशिव कितने हैं? एक है तो एक वचन हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा नम का क्या हो जाएगा आपका, आनमत। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था एक वचन क्या होता है, आप पठत, जैसे आनमत, आनमताम, आनमन। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है बच्चे, सदाशिव एक है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आनमत। नेक्स्ट चलते हैं, सा महिला स्त्रीलिंग है, वह महिला कथम डैश, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है ब्रैकेट में, धाव। अब महिला एक है तो बच्चे यहाँ पर एक ही वचन आएगा, तो धाव का क्या हो जाएगा, आ धावत। जैसे बच्चे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट का आनमत, आ धावत। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कमलेश सभायाम ना। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर कमलेश कितनी है, एक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, एक वचन आएगा। कमलेश सभा में नहीं, वध आया हुआ है, नहीं बोली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ वध आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, वन है सिंघा, वन में से डैश गर्ज। अब बच्चे सिंघा कितने सारे सिंह है, बहुत सारे, बहुवचन है, तो जब यहाँ पर बहुवचन आया जंगल में शेर क्या हो जा गर्जा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आ गर्जन। जैसे मैंने बच्चे यहाँ पर लिखा हुआ है आ गर्जन। अगला है छात्रा ग्रहण, अब छात्रा कितनी है बच्चे यहाँ पर, बहुत सारी, बहुत सी छात्रा, घर, ग्रहण का घर डैश, अब ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, गम गई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बहुवचन आ जाएगा। अब जैसे कि बहुवचन का था आ पठत, आ पठताम, आ पठन, तो गज का क्या, आ गम का क्या हो जाएगा बच्चे, गम का हो जाएगा आ आ गच्छन। गच होता है या गम कह सकते हैं, धातु जो होती है गच होती है या गम होती है, तो इसका बन जाएगा आ गच्छन, यहाँ पर आ गच्छन आ जाएगा। अब अगला है गायिका मधुरम गीतम, गायिका ने, मतलब गायिका कितनी सारी है, बहुत सारी, मधुरम का मतलब मीठा, गीत ब्रैकेट में क्या दे रखा है, गे, तो गाया, तो इच्छा, जब गायिका बहुत सारी है तो यहाँ पर आ जाएगा आ गायन, यहाँ पर बहुवचन आ जाएगा। ये देखो बच्चे मैं आपको फिर एक बार फिर दोबारा बता रही हूँ, जैसे कि बच्चे यहाँ पर प्रथम पुरुष के तीनों वचन आने हैं, बस आपको पहचानना कैसे है। अब जैसे कि ये देखो आप बच्चे, यहाँ पर सदा सिर्फ एक है तो यहाँ पर एक वचन आ जाएगा, ब्रैकेट में देख लेना है धातु कौन सी दे रखी है, आपको नम की धातु दे रखी थी, तो एक वचन आ जाएगा भूतकाल आनमन। इसी तरह महिला भी एक है तो आधावत आ जाएगा, धातु धाव दे रखी है। इसी तरह कमलेश भी एक है
वद दे रखा है ब्रैकेट में, तो यहाँ पर हो जाएगा अवदत, एक वचन आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि वना सिंगा से बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर बहुवचन आएगा धातु के अकॉर्डिंग। छात्रा ग्रहम, छात्रा बहुत सारी है, यहाँ भी बहुवचन आना है। गायिका काफ़ी सारी है, तो यहाँ भी बहुवचन आना है। इस तरीके से पहचानना है आपको, क्योंकि आप कन्फ्यूज इसी चीज़ में होंगे कि यहाँ पर एक वचन आएगा भूतकाल का या द्विवचन या बहुवचन। सेंटेंस से पहचानोगे आप, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, ये बच्चे आपको बुक में फिल कर लेना है। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है बच्चे अधोलिखितनामा शब्दनामा सौवाक्यम प्रयुक्त, अर्थात निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग करना है, भूभुक्षिया। ठीक है, अगला है वृक्षस्य, नेक्स्ट है फलानी, अगला है आम वृक्षम, वृद्धम, अनुकरणम। ये बच्चे आप खुद करोगे, वाक्य बनाने आपको आते हैं। ठीक है, आपको ये आपका गृह कार्य जो है बुक में आपको करना है। थैंक यू।